चुनावी सुनामी में आपका स्वागत है। अभी हम संगम बिहार में हैं। आम आदमी के विधायक जी का कार्य आप देख सकते हैं सामने। ये पता नहीं लग रहा कि सड़क गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं सुरेश चौधरी जी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। यहाँ से आइए जाने उनसे कुछ यहाँ के बारे में। चौधरी साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। ये बताइए, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की? मैं नई सुबह में साहब आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कम से कम आप लोग संगम बिहार आए, हम लोगों को तो बहुत टाइम हो गया करते हुए। लोगों की सेवा कर गए आप लोग, लोगों ने हमें निगम पार्षद बनाया। हमने निगम पार्षद बनने के बाद लोगों का मान सम्मान रखा है और लोगों का काम भी किया है। और ये हमने हमारे इलाके में जाके पूछे, वो लोग बोलते हैं। तो अभी संगम बिहार की क्या स्थिति है, क्या मान के चलें आप? बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ सड़क चलने के लिए नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं, गरीब आदमी के लिए बरात घर नहीं, सड़कें नालियाँ नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं। और विधायक हमारा दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन का है, काम देख लीजिए क्या क्या हालात है, किस तरह के हालात है और किस तरह का मेटेरियल यूज कर गए ये लोग। बिल्कुल पीली ईंटें, बालू जैसा, मिट्टी जैसा डस्ट कर गए और उसमें भी दो कट्टे सीमेंट लगा गए एक ट्रैक्टर ट्रॉली में। संगम बिहार की जनता अगर आपको मौका देती है तो जीतने के बाद चार बड़े काम कौन से करना चाहेंगे? सबसे पहला, यहाँ सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ रतिया मार्ग रोड, शूटिंग रोज रोड। यहाँ 5 साल हो गए, 5 साल में ये रोड नहीं बना जी। जिस व्यक्ति से 5 साल में आधा किलोमीटर का रोड और सीवर नहीं डला, तो इस तरह से 100 साल में भी सीवर का रोड संगम बिहार के नहीं बना पाएगा जी। अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? यहाँ पर प्रचार किस तरीके से चल रहा है? प्रचार बड़ा, लोगों का सहयोग मिल गया, मैं लोगों का बड़ा आभारी हूँ यहाँ के लोगों का, और बड़ा मान सम्मान मिल गया है। और ये लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो सुरेश चौधरी पे इन लोगों ने विश्वास जमाया है, उस पे विश्वास पे सुरेश चौधरी खड़ा उतरेगा। सुरेश चौधरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ, किस तरीके से उनकी इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? बहुत बुरे हालात है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो सब फ्री बांटने लगते हैं। कोई इन लोगों से ये नहीं पूछता कि ये 2 महीने पहले फ्री दिखते हैं, 5 साल पहले क्यों नहीं फ्री हुआ जी। जी, जैसे कि उन्होंने अभी पानी भी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं का पास फ्री कर दिया और CCTV कैमरे भी लगा दिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई बस फ्री नहीं, कोई पानी फ्री नहीं। लोगों का बिजली का बिल देखिए कितना कितना आ गया, 3100 रुपये का, किसी का 3500 रुपये। यहीं लोग, इस तरह के लोग मिलते हैं। और ये भी 2 महीने पहले फ्री हुआ है, इनकी सरकार बने हुए 5 साल हो गए, 5 साल में क्यों नहीं हुआ? अगर ये चुनाव के टाइम में काम हो सकता है तो 5 साल पहले ये लोग कितना काम करा सकते थे? अगर इन लोगों को एक हफ्ते में इतनी ताकत आ गई एक हफ्ते में, तो 5 साल में कितनी ताकत थी, क्यों यूज़ नहीं की इन लोगों ने जी। जी, यहाँ नेता अपनी प्रोग्रेस में लगा हुआ है, लोगों की चिंता नहीं है। जो आदमी खाली दुख दर्द पूछने के लिए ना आया हो 5 साल में, किसी का हालचाल पूछने के लिए ना आया हो, क्या विकास करेगा वो? आप जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, जिसके आपको अच्छा उचाव व्यवहार पता हो, जिसके काम के बारे में। हम लोग भी लोगों से वोट जो ले गए, झूठ बोल के वोट नहीं ले गए, हम लोगों से कह गए कि उसके हमारे भी अच्छा उचाव व्यवहार जानो, हमारे भी काम के बारे में जानो। हम लोग भी निगम पार्षद है, इसी संगम बिहार से निगम पार्षद हूँ। सब लोगों से बोलता हूँ कि मेरे इलाके में घूम के आइए, वहाँ जाके देख के आइए। वहाँ के लोग कहे कि सुरेश चौधरी ने जीतने के बाद में काम किया है, तो सुरेश चौधरी को वोट देना। कोई कहे कि सुरेश चौधरी चुनाव के बाद नज़र नहीं आया, तो वोट देने की जरूरत नहीं है। हमने एक कार्यकर्ता का भी मान सम्मान किया है, वहाँ के वोटर का भी मान सम्मान किया है। हम लोग वो व्यक्ति है जिन्हें साइन और मोहर भी जाके लोगों के, यहाँ का गरीब का बच्चा 2 किलोमीटर दूर यहाँ से तुगलकाबाद और कालका जी जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ सबसे पहले हम लोग मेन रोड बनाने का काम करेंगे, गलियों का रोड बनाएंगे, यहाँ सीवर डालने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी नहीं है, इस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं कि जाके अपना बतरा हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सके। नेता को इसलिए हम लोगों ने चुना था, किसी नेता को हम लोग इसलिए नहीं चुनते कि कोई नेता आएगा हमारे घर पर अगले 5 साल का राशन का प्रबंध करेगा। हमने नेता को इसलिए चुना था कि हमारी जन समस्या का समाधान करेगा, बिजली का, पानी का, सड़क का, स्कूल का, डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल का, बरात घर का। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन है, जिस पे यहाँ सीवर नहीं डल पाया, जिस पे पानी नहीं पहुँच पाया, आज रातों रात ये लोग बोर लगा देते हैं। 5 साल से इन लोगों से एक बोर नहीं लगा, आज कौन सी टुकड़ी आ गई इन लोगों के पास में? अगर आज ये इतना काम कर सकते हैं तो 5 साल में कितना करा देते, उसका हिसाब किताब देते नहीं। ये लोग दिखाते हैं कि दिल्ली में इतना विकास हुआ है, किसी ने ये नहीं पूछा कि संगम बिहार में क्या विकास हुआ है। ये दिखाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड, दिखाते हैं कि दिल्ली में इतना काम हुआ। अगर पूरी दिल्ली में कहीं लड्डू बट गए हैं तो दिल्ली वालों को मिल गए, संगम बिहार वासियों को क्या मिला? यहाँ लड्डू बटे तो तब फायदा हो ना साहब, यहाँ क्या काम हुआ है? यहाँ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जैसे ही बतरा हॉस्पिटल के सामने आप संगम बिहार में घुसोगे, घुसते नहीं
उसकी भी जगह एक बार तस्वीर लीजिए, जो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ खुला हुआ है, वहाँ बंद रहता है, बहुत बुरे हालात है, नाम के लिए इन लोगों ने खोल दिया है। लोगों से पूछा जाए, यहाँ के लोग बेचारे आज यहाँ पे काम पे जाने के लिए कोई आग से दाग आने को तैयार नहीं, कोई बेचारा काम पे जाने को तैयार नहीं, रोड निकलने के लिए नहीं है यहाँ, रोड चलने के लिए नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं। आज ये गरीब का बच्चा यहाँ घूमता रहता है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए कोई साधन नहीं है इनके पास में। हम लोगों ने जो हमारा अनऑथराइज इलाका रहा, हमारे पास में जो व्यवस्था थी, जो काम थे, हम लोगों ने बखूबी निभाए। इसीलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि मेरे इलाके में जाके देखो, वहाँ के लोग बताएंगे कि काम किस तरह से होता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हम तो सब लोगों से आज यही कहते हैं कि हमारा इलाका देख के आइए, इन लोगों का इलाका देखिए, यहाँ कभी झाड़ू भी नहीं लगती होगी, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती होगी। हमारे इलाके में डेली झाड़ू लगती है, डेली कूड़ा उठता है, काम होता है हमारे यहाँ। मीडिया नई सुबह के माध्यम से आप संगम बिहार के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? 8 फरवरी को मतदान का दिनांक तय किया गया। हम लोग चाहते हैं, सब लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि किसी को आप वोट देते हो तो उस व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार, उसके काम के बारे में जानो, क्योंकि जिस व्यक्ति का हमें आचार विचार व्यवहार नहीं पता, जिसके काम के बारे में नहीं पता, उन लोगों को वोट दोगे तो यही हालात रहेंगे। आज हम लोग देखते हैं, कल तक ये लोग यहाँ चंदा इकट्ठा करते घूम गए थे। तो गणेश जी, यहाँ पर कुछ काम किया आम आदमी के विधायक जी ने? नहीं, काम नहीं किया। आपका क्या नाम है? जोगिंदर। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हाथी को जी, सुरेश चौधरी जी। जी तो क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ के विधायक ने कोई कैसा भी छोटा मोटा कोई काम किया? अंदर आए होंगे, आपको पता लग गया होगा कितना काम हो रखा है, रोड से एंट्री करते ही पता लग गया होगा आपको। एक बार बच्चों से पूछो, बच्चों क्या? हाँ बेटा, हाँ, यहाँ पे कुछ काम किया विधायक ने? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं कह रहा। और बताओ, स्कूल जाने में? स्कूल जाते हो? हाँ जी जी। तो क्या परेशानी आती है? स्कूल कीचड़ रहती है, रोड खुदा रहता है, सब कुछ रहता है इधर टूटा फूटा। पापा भी काम पे नहीं जा पाते हैं। देखा, बच्चों ने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं, वो परेशानियाँ, कीचड़ भरा पड़ा रहता है सड़कों पर, वो स्कूल जाने में भी उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। जनता से बात की, जनता ने भी साफ साफ दिखाया, और वास्तव में हमें साफ साफ दिख रहा है सड़कें खुदी पड़ी है, कोई सड़क नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है जी। भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने बस एक काम बहुत अच्छा किया है जी, जो रोड खोद खोद के पूरे संगम बिहार में छोड़ दिए हैं, जो ना आदमी ड्यूटी जाए, ना बच्चा स्कूल जाए, ना कोई कुछ ला सके, ना कर सके, सिर्फ भूखे मरे घर के अंदर आदमी, क्योंकि बाहर जाएगा नहीं, घर के अंदर। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जो है वो अपने घर से क्या कहते हैं, राशन सबके घर में भरवाएगा, ठीक है, और सब घर के अंदर सुख चैन से खाएंगे पियेंगे। बस यही काम अच्छा किया है, बाकी कोई अच्छा काम नहीं किया। सब चारों तरफ खोद दिया, ना पानी आ रहा है, दो दो तीन तीन महीने पे आई ब्लॉक पे पानी आ रहा है, यहाँ आ रहा है दो दो तीन तीन महीने पानी, और बोल रहे हैं जो हर जगह क्या कहते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। रतिया मार्ग से जो हम निकलेंगे, ऐसी तैसी क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, सुबह 7 बजे आप आ जाओ, इधर जाम रहता है रतिया मार्ग, आदमी ड्यूटी करने जाए तो जाए कहाँ। देखा आपने, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर प्रचार चल रहा है, खूब किया विकास, अगर विकास किया है तो जनता हमें वोट दे। अब आप देख ही सकते हैं, जनता और छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, इनके माता पिता काम पर नहीं जा सकते, इनको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, और यहाँ पर आप सड़कों का हालात देख सकते हैं। यहाँ के चौधरी साहब से, सुरेश चौधरी साहब से हमने बात की, उन्होंने भी बहुत सारी यहाँ की बातों से, परेशानियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी को खुद पता है, प्रकाश जारवाल 1200 रुपये के टैंकर बेच रहा था, नहीं तो अभी मैं स्पीकर पे फ़ोन ले रहा हूँ और अभी बात करा रहा हूँ ये होली चौक की तरफ के बंदे को लेकर के, जो प्रकाश जारवाल कितने के टैंकर बेच रहा है। मुख्यमंत्री तक को, मुख्यमंत्री आए थे, इस पर हुड़दंग भी हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर भी प्रकाश जारवाल को ही टिकट दी वहाँ पर भी, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिया गया। ये दिनेश मोहनिया का भी बहकूबी पता है इनको, लेकिन कोई एक्शन कुछ नहीं, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, बस यही काम अब इन सबका बच गया है, सीट लेनी है और कुछ नहीं करना, पैसा कमाना है। जनता क्या कहते अपनी ऐसी की तैसी में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रह गया अभी आम आदमी पार्टी का, टिकट बेचने का, जनता जी और कुछ नहीं रहा बिल्कुल, जनता का आम। सुरेश चौधरी जी हैं, इनके बारे में छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, चाहे होली चौक पे चले जाओ या अपने G2 में या आई ब्लॉक में, किसी ही पूछ लो, नंबर वन के नेता जी हमारे सुरेश चौधरी जी हैं और कोई नहीं है। जनता ने भी साफ साफ सुरेश चौधरी जी के बारे में तारीफ की, बताया कि वो अपने यहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, जिन का पार्षद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो समस्या है, परेशानी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। मीडिया नई सुबह दिल्ली।